हेलो, मैं हाजिर हो गई हूँ लेकर खबरें बिग बॉस की। बिग बॉस के घर में कंटेस्टेंट को एंटर किए हुए हो गए हैं पूरे 31 दिन और इस बार का सीजन कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि बिग बॉस अच्छे तरीके से जैसे कंटेस्टेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं उसी तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आज की खबरें कुछ इस तरीके से है कि बिग बॉस के घर के दो हॉट टॉपिक है। सबसे पहला गौतम और सौंदर्य। गौतम सबकी नज़रों में आ गए हैं जब से उन्होंने राशन छोड़ दिया है कैप्टन बनने के लिए, और उनकी वजह से सबकी नज़रों में जो खल रही हैं वो है सौंदर्या। सबको लगता है कि सौंदर्या घर में रहते हुए किचन पे कब्ज़ा जमा रही है। किचन सिर्फ उनका है, वो किचन में रहना चाहती है, वो किचन की महारानी है। लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। सौंदर्या मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग है और बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, और मुझे उनकी और गौतम की जोड़ी कहीं ना कहीं अच्छी लगती है। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या ये जोड़ी बिग बॉस घर के लिए बनी है या फिर बाहर आने के बाद भी ये दोनों साथ में नज़र आएंगे। आज के बिग बॉस में चलने वाला है गौतम और सौंदर्य पर एक केस। केस में जजेस बनेंगे अंकित और गौरी नागौरी, और इस केस की जो हमारी वकील होंगी वो होगी निमृत। और सबके आरोप है कि इन दोनों का प्यार है फेक फेक फेक। बिग बॉस में दो चीज़ें हमेशा देखने को मिलती है कि कौन है फेक और कौन है रियल। तो सबसे ज़्यादा फेक होने के जो चार्जेस लगते हैं वो लगते हैं शालीन भनोट पे। सबका कहना है कि शालीन है एक्टिंग की दुकान और चिकन है उनका फेवरेट, हमेशा चिकन 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 चिल्लाते हैं। और अब्दू भी कुछ ऐसा ही कर रहे थे। अब्दू कह रहे थे कि बिग बॉस प्लीज़ गिव मी बर्गर, मुझे प्रोटीन की कमी हो रही है। तो सब लोग इस बात पर हंस रहे थे और शालीन भी इस बात के मज़े ले रहे थे। इसमें बीच में चटकारी लेते हुए एंटर कर गई है प्रियंका। प्रियंका भी इस बात पे हंस रही है जो कि शालीन को बहुत बुरा लग जाता है, और शालीन कहते हैं कि आप हमारा मजाक मत उड़ाइए। और शालीन बहुत लहजे के साथ अपने एक्टिंग अंदाज में बात कर रहे थे, लेकिन प्रियंका कहती है कि आप आपकी एक्टिंग की दुकान यहाँ पे मत दिखाइए। दोनों की अच्छी खासी झड़प होती है और झड़प एकदम चुंगम की तरह खींचती 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 और बहुत लंबी चली जाती है। और इस बीच में आ जाते हैं अंकित, जो कि हमेशा साइलेंट मोड में रहते हैं। अंकित भी कहीं ना कहीं खिसिया जाते हैं प्रियंका की इस लड़ाई से, और वो कहते हैं कि बस बंद भी करो अब। और प्रियंका को ये बात बहुत बुरी लग जाती है, और यहीं से आ जाता है उनकी कहानी में एक ट्विस्ट। प्रियंका और अंकित जो बाहर से बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन दोनों की दोस्ती में एक छोटी सी दरार पड़ गई है, और उसका कारण है शालीन भनोट। आज के बिग बॉस के प्रोमो में ये देखने को मिल रहा है कि प्रियंका और अंकित बेड पर लेटे हैं और प्रियंका कह रही है कि मुझे आपसे बात नहीं करनी है, मुझे कुछ भी नहीं लेना देना है आपसे। और इससे पहले कि 31 डे में दिखाया गया था कि साजिद उन दोनों के मज़े लेते हुए उनकी सुलह कराने की कोशिश कर रहे हैं। प्रियंका कह रही है कि मैं इनसे बात इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इन्वॉल्व हो इस गेम में। इस वीक नॉमिनेटेड है सुम्बुल, प्रियंका और सौंदर्य। नॉमिनेशन का जो टास्क था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बिग बॉस ने बहुत ही इनोवेटिव तरीके से उसको बनाया था। तो नॉमिनेशन में मुझे लगता है कि इस वीक जो बाहर जा सकती हैं वो है सुम्बुल, क्योंकि वो कुछ अच्छा खासा कर नहीं रही घर में। और जैसा कि साजिद ने कहा कि सुम्बुल बेटा आपको आपकी एज के लोगों के साथ ज़्यादा वक्त बिताना चाहिए, आपको कॉलेज जाना चाहिए, टीनेज वाली लाइफ जीनी चाहिए, तो मैं भी यही सोचती हूँ कि साजिद ने एकदम सही कहा है। जहाँ तक बात रही अर्चना की, तो अर्चना भी थोड़ी सी फीकी पड़ रही है। वो हर जगह अपनी हर फट्टे में अपनी टांग अड़ाने की कोशिश कर रही हैं, उतनी एंटरटेनिंग है भी और नहीं भी। और सौंदर्य तो बाहर किसी हालत में नहीं आएंगी क्योंकि बिग बॉस का हॉट टॉपिक है गौतम आजकल। तो गौतम रहेंगे तो सौंदर्य का रहना एकदम लाजमी सी बात है। इनकी वजह से TRP आती है, लोग उनको देखना पसंद कर रहे हैं, और अर्चना भी कहीं ना कहीं एंटरटेन तो कर ही लेती हैं। So yeah, this is for the day.